आज आपको गणित के सूत्र का पार्ट 5, यानी आज तक आपको चार पार्ट पढ़ा दिए हैं, इसके अलावा पार्ट 5 मिलते हैं। किसी सूत्र नंबर 34 है, किसी रेलगाड़ी का स्थिर बिंदु यानी जैसे खंभा, सिग्नल, बत्ती को पार करने का समय उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करने में लिया गया समय होता है। उस रेलगाड़ी की लंबाई यानी लंबाई कितनी है, जैसे रेलगाड़ी ये बिंदु है मान लो, इस रेलगाड़ी के बराबर की दूरी रेलगाड़ी क्रॉस होने पर वो समय ज्ञात होता है। अगला है 35 नंबर, किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, ऑब्लिक पुल को पार करने का समय रेलगाड़ी की चाल से रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करने में लिया गया समय होता है। यानी दोनों जोड़ देंगे, पुल को और रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा इसमें। 36 है, दो व्यंजकों में यदि कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है तो उसका मैसे एक होता है, यानी उनका महत्व समावर्तक एक होता है अगर दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा हो तो। लैसे लैसे बराबर सूत्र होता है मैसे गुणा व्यंजकों के भागफल। अब भागफल क्या होता है, व्यंजक बटे मैसे, व्यंजक बटे मैसे यहाँ भागफल है। 38 है, सरल समीकरण, वह समीकरण जो चर राशियों के सभी मानों के लिए सत्य हो सरल समीकरण कहलाती है। अगला है के कोष्टक स्टार्ट, ये कैसे सभी मल्टीप्लाई है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसा आ जाता है तो इसमें के ए पहले के गुणा ऐसे हो गया, प्लस से ने प्लस आ गया, के गुणा बी के बी प्लस के प्लस के सी हो गया, ये ऐसे कोई संख्या पे लागू हो जाता है अगर इसमें ये होता है तो। अगला है 40 नंबर, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, यानी फर्स्ट सेम है और सेकंड वाला अलग अलग है, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी दोनों जुड़ जाएगा और मल्टीप्लाई एक्स से हो जाता है प्लस ए बी, ये इसका सूत्र है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला ऐसा संबंध और भी है, अगर यह प्लस हो या अगर माइनस होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी इन दोनों अलग अलग गुणा हो तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इजी आए और इसको याद करने से बहुत क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो जाते हैं इससे। 42 है, कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य सबसे बड़ी छोटी भुजाओं के दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, जैसे आधार कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ऑब्लिक, अगर लंब ज्ञात करना हो दोनों दे रहे हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर मान लो अपन को कर्ण कर्ण दे रहा है और लंब दे रहा है तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 43 है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यही सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जैसे इस दे रहा है फिगर में ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ये समकोण है, इसके जस्ट सामने ये है ना, ये कर्ण है, तो इसलिए ये पाइथागोरस प्रमेय है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर ये सूत्र आपको पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इससे पहले के सूत्र डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, लिंक दी हुई है, उनको आप देख सकते हैं। ओके।